तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 3 शॉटगन्स के वन टैप के बारे में। आप लोग क्या मिस्टेक करते हो जो आपके शॉटगन के बिल्कुल भी वन टैप नहीं लगते हैं। इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ गाइस कि आप शॉटगन के वन टैप कैसे इजीली मार सकते हैं और आप कैसे कस्टम में 1v1 हो चाहे कैसे भी हो बिल्कुल इजीली बंदे को 7-0 तक दे सकते हैं वो भी वन टैप के साथ। तो टॉप 3 मिस्टेक बताऊंगा जो आप शॉटगन मारते टाइम करते हैं जो आपके नहीं लगता हेड और सामने बंदे का हेड लग जाता है जिससे आप इजीली कस्टम किसी से भी हार जाते हैं। गाइस अब बात करते हैं फर्स्ट मिस्टेक जो आप लोग करते हैं। फर्स्ट मिस्टेक ये है गाइस, देखो सामने वाला मेरा एनिमी, देखो आप अच्छे से देखना मेरा सामने वाला एनिमी कैसे गाइस बिना वॉल के आ रहा है। देखो बिना वॉल के आपको इफेक्ट बता दो गाइस, बिना वॉल के कभी भी आप बंदे पर रश मारो गाइस चाहे सामने 4 बंदे क्यों ना हो, आप बिना वॉल के अगर रश मारोगे तो गाइस आपका इतना एम नहीं परफेक्ट हो पाएगा जितना सामने वाला एम पहले से ही परफेक्ट रहता है क्योंकि वो वॉल के साथ है। आप क्या करो, हर शॉट मारो फिर वॉल डालो, एक शॉट मारो फिर वॉल डालो। चलते हैं गाइस मिस्टेक नंबर 2 की तरफ, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गाइस मिस्टेक नंबर 2 आप देखना, ज़्यादातर बंदे क्या ही गलती करते हैं, अगर कोई बंदा रश मार रहा है उस पर, उस बंदे फुल मूवमेंट है और आप क्या करते हैं, आप एम लॉक करते हैं। एम लॉक से क्या घाटा होता है मैं आपको बताता हूँ। एम लॉक करते टाइम आपका मूवमेंट काफ़ी लो हो जाता है जिससे आपका अपोनेंट एनिमी काफ़ी ईजिली आपके हेड मार सकता है क्योंकि आप मिस्टेक कर देते हो। आप एम लॉक करके एक शॉट फायर करते हो फिर बंदा वॉल डालता है, इतने में आपका एम नहीं परफेक्ट हो पाता जितने में समझ लो वो बंदा आपके हेड मार देता है। गाइस आपको लाइक गाइस आप इसी क्लिप में देखना, देखो गाइस सामने वाला बंदा कैसे एम लॉक कर रहा है, मेरा एम देखा कितना परफेक्ट है, मैंने इजीली उसको हेड मार दिया और उसका मेरे पे एक फायर तक भी नहीं आया। तो गाइस ये था आपका सेकंड नंबर मिस्टेक जो आपको आई होप पता लग गया होगा। आप गाइस चलते हैं #3 मिस्टेक।